मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूं इंडक्शन कुकर का कंडेंसर कैसे चेक किए जाते हैं। ये इंडक्शन कुकर के कंडेंसर हैं दो। ये आपका 5U का है, ये आपका 0.027 का कंडेंसर है। ठीक है जी, तो आप इसको आप चेक कैसे करना है डिजिटल मीटर से, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप ये कंडेंसर पहले आप कोई भी चेक कर लो, चाहे ये आपका जो 5U का है उसको आप चेक कर सकते हो। तो उसमें आप पहले आप ये बजर में रखो, तो बजर में रखे आपको आप जरा इसको वीडियो का आपको बार बार देखना पड़ेगा। जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, अगर वो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो पहले मैं इसको बजर में रखे, तो जैसे ही विसल बजता है मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ओके की, ये बिल्कुल नया कंडेंसर है तो ये ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आती यानी विसल नहीं बजती तो ये आपका कंडेंसर जो है ओके है। ठीक है जी, उसके बाद अगर इसी में जगह पे लगा के अगर आपका ये नीडल चल जाए यानी कि विसल आ जाए, तो अगर आपकी रीडिंग भी आ जाए इस जगह पे रख के कंटिन्यूटी पॉइंट पे, तो आपका जो है कंडेंसर जो है वो आपका शॉर्ट है। ठीक है जी, अब मैं इसके बाद रहेगी ओपन की जैकिंग। ओपन की जैकिंग में आपको बताऊंगा ऐसी इसका है, इसमें भी ऐसी है। तो ये आपका जो कंडेंसर है ये 0.027 का है। तो ये भी आप इसकी विसल में रख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये आपकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही यानी कि कोई विसल नहीं आ रही, तो ये कंडेंसर आपका ठीक है यानी कि ये भी ब्रांड न्यू कंडेंसर है, खराब कंडेंसर नहीं है। तो अगर इसमें यहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाए ये डैड वाली पोजीशन पे रख के, तो आपका जो है कंडेंसर जो है शॉर्ट है। अब आपको दिखाना है कि ओपन कैसे चेक करते हैं। ओपन की अगर आपको मैं आपको चेक करेगा इसके बाद ओपन की दिखाऊंगा रीडिंग। तो ये आपका कंडेंसर है, इसका एक और बता देता हूँ, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता क्योंकि पेपर कंडेंसर होता है। ये जो है आपका इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, चाहे आप ऐसे ही सर्किट में लगाओ, चाहे आप इसको ऐसे लगाओ, इसको भी ऐसे, चाहे ऐसे लगाओ चाहे आप ऐसे लगाओ, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। जो एक मेन में ये बात है इसके बारे में जो मैं आपको बता, अब मैं आपको ओपन की चेक करके बताऊंगा। तो अब इसकी ओपन हमने चेक करना है कि ये ठीक है, ये कंडेंसर तो ठीक ही है। तो अभी इसको ओके हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये ओके है तो उसके लिए चेक कर क्या करेंगे। तो हम इसको पहले ये 750 की रेंज में रखेंगे, तो इसको पहले चेक करेंगे भी एसी आ रही है कि नहीं आ रही, एसी की रेंज में रख के चेक करेंगे। ठीक है, ये एसी की रेंज में आ गया। ठीक है, ये आ रही है रेंज आपकी 235 आ रही है। तो अब इसी में हम चेक करेंगे कंडेंसर। तो मैंने आपको आसानी के लिए चेक करने के लिए ये मैंने एक लीड ली है, ये देखो आप लीड, ये लीड है। इसमें पहले आप इसको लगा के पहले मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जरा वीडियो ध्यान से देखना कि आपको समझ आ जाए, जो नए सीखने वाले उनके लिए काफी हेल्पफुल है। जब ये मैंने यहाँ सप्लाई दे दी है तो ये आपकी सप्लाई आ गई यहाँ पे, ये देखो आप सप्लाई आ गई। तो तारों का जालना विषय मैंने थोड़ा आपको, ये वोल्टेज आपको आ रही है 200 अलग अलग वोल्टेज जो भी आ रही है ये आपको आ रही सामने आ रही है, एसी वोल्टेज आ रही है। अब मैं इसको चेक करूंगा, तो कैसे चेक करूंगा, उसके चेक करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे एक सिरा इसके बीच में डालूंगा सीरीज में, ये ऐसे। तो ये मैं डिजिटल मीटर के द्वारा चेक करा रहा हूँ आपको। अब ये देखो, ये पहले 200 आई, फिर घटती घटती ये कम होती 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 ये 72, 50, 40 और कम होगी ये 29, 25, 20 11, 9। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका वैल्यू घट के ये कहाँ तक पहुंचती है ये आप देख लो, ये बिल्कुल कंडेंसर ओके है। मैं आपको चेक करके अभी दिखाऊंगा ये। तो अगर ये आपको कंडेंसर चेक करना है तो ये इसका ये अच्छा मेथड है और आसान मेथड है। ये यहाँ तक आपका ये खत्म हो गई है, ये सबसे कम हो गई है। तो आप इसको चेक करने के लिए एक आप चिमटी रख लो और इसको बाद इसको अब ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ये। तो ये जो कंडेंसर आपका बिल्कुल ओके है। जब मैंने इसको यहाँ पे एसी की रेंज में रखा है तो ये अगर ये स्विच चल के बिल्कुल नीचे डाउन आ रही है तो इसका मतलब जो आपका जो है ये आपका कंडेंसर जो है ओपन नहीं है, बिल्कुल ओके है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये कंडेंसर नया है। तो अगर ये रीडिंग कम हो रही है आस्ता आस्ता यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है कंडेंसर यानी कि चार्ज हो रहा है, चार्ज होता जा रहा है, और मैंने एसी की रेंज में रखा है, मेन गौर करने वाली बात ये है। एसी की रेंज में रख के मैं इसको ये चेक कर रहा हूँ, अगर इसमें बिल्कुल
सुई जो है आपकी बिल्कुल 220 वोल्ट पे खड़ी रहे, कम ना हो, डिस्चार्ज ना हो, जैसे मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में अभी तक जो देता है। तो अगर ये डिस्चार्ज ना हो, अगर 220 वोल्ट आ रही है, 220 पे खड़ी रहे, तो आपका जो कंडेंसर है वो काम नहीं करेगा, वो कंडेंसर। ठीक है जी, तो ये कंडेंसर चेक करने की ये विधि है। दूसरा कंडेंसर भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ये छोटी वैल्यू का है, इसको भी हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं। इसको मैं आप ऐसी पहले वोल्टेज नापूंगा, ये आ रही है आपकी, ये देखो आप वोल्टेज आपकी 228 वोल्ट 225 वोल्ट आ रही है। अब मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा, ये सीरीज में लगाया ये, और ये फिर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये 22, ये क्योंकि छोटी वैल्यू का है, ये फटाफट आपका नीचे डाउन हो गया, तो ये डिस्चार्ज फटाफट चार्ज हो गया कंडेंसर। अब चार्ज होगा, ये चार्ज हो के अगर आपका ये कहीं होगा बहुत, अब ये देखो आप कहेंगे कि इसका तो पटाखा बहुत कम बजा, इसका तेज बजा, क्योंकि ये 5 यूएफ का है, ये 0.027 का है, तो ये इसकी वैल्यू से बहुत कम है, तो इस करके इसका पटाखा कम बजेगा। अगर इसका कंडेंसर का पटाखा इतना ही बजे, कम बजे जितना इसका बज रहा है, तब आपका कंडेंसर वीक है, तब भी कंडेंसर डिफेक्टिव माना जाएगा। जितना इसका बज रहा है, अगर उसका ये 5 यूएफ का बजे, तब भी कंडेंसर कमजोर माना जाता है। तो अगर कृपा करके ये आप इसको डायरेक्ट मत लगाएं, सीरीज में चेक करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। केवल कंडेंसर फट भी जाता है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, फट जाता है। तो इस करके आप सीरीज में ही चेक करें, अगर आपने ऐसे मीटर में चेक करना है डिजिटल मीटर से। तो ये आज मैं आपको जो आपका ये इंडक्शन कुकर में ये कंडेंसर बहुत लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये कैसे इसकी टेस्टिंग होती है। तो मैंने आपको इंडक्शन कुकर के कंडेंसर के बारे में चेक करने के बारे में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।